नमस्कार, मैं हूं प्रिया। अब तक विधायक सेगमेंट में आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आज बात करेंगे 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक सुनील कुमार है। वे राजद के टिकट से मैदान में खड़े हुए थे और 81,557 वोट से जीत हासिल की थी। वही उनके प्रतिपक्ष उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू भाजपा के टिकट पर खड़े हुए थे। उन्होंने 66,835 वोट हासिल की थी। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2010 को देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा रहा है। 2010 में सुनील कुमार पिंटू भाजपा से विधायक बने थे। सुनील कुमार पिंटू 2010 में 51,664 वोटों से जीत दर्ज कराई। वहीं उनके प्रतिरोधी राघवेंद्र कुमार सिंह लोजपा से थे। उन्होंने 46,443 वोट हासिल किए थे। इसके पूर्व हुए वर्ष 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो इस चुनावी वर्ष में सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर वर्ष 2005 के अक्टूबर और फरवरी चुनाव में सुनील कुमार विधायक चुने गए थे। वही वर्ष 2005 में अक्टूबर माह में विपक्ष उम्मीदवार कांग्रेस के मोहम्मद खलील अंसारी थे। 2005 के फरवरी विधानसभा चुनाव में मोहम्मद ताहिर विपक्ष उम्मीदवार थे। मोहम्मद ताहिर राजद के सदस्य होते हुए इस सीट से चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। अब हम चलते हैं वर्ष 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की ओर। वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस क्षेत्र में शाहिद अली खान विधायक चुने गए थे। शाहिद अली खान राजद के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। वहीं उनके विपक्षी उम्मीदवार हरिशंकर प्रसाद थे। हरिशंकर प्रसाद भाजपा के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। वर्ष 1995 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस वर्ष विधानसभा चुनाव में हरिशंकर प्रसाद विधायक चुने गए थे। हरिशंकर प्रसाद भाजपा के टिकट से इस चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं उनके निकटतम विपक्षी उम्मीदवार शाहिद अली खान थे। शाहिद अली खान जेडी के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। वर्ष 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो शाहिद अली खान विधायक चुने गए। शाहिद अली खान जेडी के ही टिकट से इस चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं उनके विपक्षी उम्मीदवार हरिशंकर प्रसाद स्वतंत्र रूप से खड़े हुए थे। अब बिहार विधानसभा चुनाव 1985 देखा जाए तो इस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के खलील अंसारी विधायक चुने गए थे। इस सीट पर उनके प्रतिपक्ष उम्मीदवार रामदेव सिंह हुए थे। रामदेव सिंह सीपीआई के सदस्य होते हुए इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। सीतामढ़ी क्षेत्र के विकास के मुद्दों को देखा जाए तो कई बदलाव हुए। महिलाओं के शिक्षा पहले की अपेक्षा बढ़ी है। घरों में पानी पहुंचाया गया है। बिजली की आपूर्ति की गई है। किसानों के हित में भी कार्य किए गए हैं। सड़कों का निर्माण भी करवाया गया है। वहीं चुनावी मुद्दों की तरफ देखा जाए तो बेरोजगारी अहम मुद्दा है। सभी युवा एकजुट होकर बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहते थे। महिला मुद्दा भी अहम रहा है। महिलाओं के शिक्षा और स्वास्थ्य उसमें महत्वपूर्ण रही है। वहीं क्षेत्र में जाम का मुद्दा लोगों के लिए विकट समस्या है। कई विकास कार्य हुए हैं लेकिन अभी कई विकास कार्य होने हैं। चिकित्सा सुविधा इस क्षेत्र का अहम मुद्दा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अब तक विधायक सेगमेंट का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।